स्टूडेंट्स, कंपोजिशन में जो सेकंड टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट में अपन ने मैट्रिमोनियल जिसे वैवाहिक कहते हैं वो अपन ने कर लिए। ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। ग्रूम में आपको क्या क्या क्वालिटी है और ब्राइड में आप क्या चाहते हो वो मेंशन करते हुए लास्ट में आपको जहां उसके बायोडाटा और फोटोग्राफ मंगाने उसका एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन करना था और उसको ब्रैकेट उसमें बॉक्स में बंद कर देना था। आज अपन क्या करते हैं, अकोमोडेशन यानी आवासीय। आवासीय का मतलब रेजिडेंशियल। अब रेजिडेंस के लिए आपका जो घर है वो आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता आपको परचेज करना हो सकता किराए पे देना लेना चाहते हो और या किराए पे लेना चाहते हो, ठीक है। अब आपको इसका एडवर्टाइजमेंट आपको क्लासिफाइड कॉलम में कहीं छपने के लिए न्यूज़पेपर में देना है, तो उसके लिए आपको देखना है कि व्हाट, क्या आप खरीदना बेचना चाहते हो, क्या क्वालिटीज उसमें पजेस है, क्या है उसमें आपके पास, क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज आप कह सकते हैं, कैसी फैसिलिटीज हैं उसमें और ये कहाँ है, वेयर सिचुएटेड। और लास्ट में अमाउंट जो आप लेना या देना चाहते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ये एड आपको देना है। सपोज आप अपना 2 BHK यू वॉन्ट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको आपको एडवर्टाइज बनाना है किसके लिए, टू बी पब्लिश छपवाने के लिए, किसमें, क्लासिफाइड क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी आपके पास 2 BHK है। अभी 2 BHK क्या है, 2 यू नो, बी यानी बेडरूम, एच यानी हॉल और के यानी किचन। यानी आपका जो घर है उसमें 2 बेडरूम है, हॉल है और किचन है। इसको आप बेचना चाहते हैं, इसका जो चीज आपको बेचनी है तो उसमें आप क्या लिखोगे, हेडिंग अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है, 2 BHK ये अवेलेबल है, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हुई। देखिए आपके एड जितने भी हैं 50 वर्ड्स लिमिट में, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में इसको छपने के लिए देते हैं तो इसके वर्ड वाइज पैसे लगते हैं, महंगा पड़ता है, तो आपको लिमिटेड वर्ड्स में 50 वर्ड्स में वो सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ मेंशन की है, व्हाट क्वालिटीज फैसिलिटीज वेयर सिचुएटेड अमाउंट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारे इसमें 50 शब्दों में इंक्लूड करने हैं। अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अवेलेबल पहला क्वेश्चन क्या अवेलेबल है, व्हाट, तो आप लिखोगे न्यूली बिल्ट, अभी का बनाया हुआ, क्या, 2 BHK, ठीक है। फर्स्ट थिंग व्हाट,
आपके पास उपलब्ध है न्यूली बिल्ड 2 BHK। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो आपको मेंशन करनी है। तो आप लिखेंगे अटैच्ड लेट बाथ, पहली चीज। दूसरा मॉड्यूलर किचन, ठीक। तीसरा जो क्या होता है, लोगों को पार्किंग भी चाहिए होती है, गार्डन भी चाहिए होता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो लिखिए पार्किंग, लश ग्रीन गार्डन या लॉन, हरा भरा लॉन भी है, और ट्वेंटी फोर आवर्स सप्लाई ऑफ वॉट। किसकी 24 आवर सप्लाई है? आप देखिए कि कोई भी बंदा आपसे घर खरीद रहा है तो कहाँ सिचुएटेड है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो देखेगा, और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जरूर देखेगा। एंड वाटर, 24 आवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सारी फैसिलिटीज के बाद आप देखोगे अगला क्या करेगा। सपोज उसके बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, बाजार में रहना लेना चाहेगा, कोई जॉब वाला है, कहाँ उसको सुविधाएं कहाँ चाहिए। तो आप देखोगे सिचुएटेड नियर BOB एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ पॉश एरिया, किसी पॉश एरिया में आपका घर है। ये चीजें आपने लिखी कि 2 BHK है, अटैच लेट बाथ है, मॉड्यूलर किचन है, पार्किंग भी है, लक्ष्मी गार्डन भी है, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई बिल्कुल 24 आवर्स है, और सिचुएटेड है BOP के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, और स्कूल भी उस पोश के एरिया में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आपको पैसों की बात करनी है कि आप इतनी सुविधाओं वाला मकान कितने में बेच सकते हैं। तो आप बोलो इसमें लिखेंगे इट कॉस्टेड 20 lakh or might be negotiated, यानी आप इसे बातचीत के माध्यम से, negotiation के माध्यम से consult कर सकते हैं, थोड़ा कम बेसी भी किया जा सकता है। Cost अमूमन आपने लिख दी 20 lakh, लेकिन माइट बी नेगोशिएटेड, आप उससे कंसिडर कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से। अर्जेंटली कॉन्टेक्ट मिस्टर बलबीर सिंह 26
शेतांची कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और बॉक्स बंद कर दीजिए। टेन डिजिट में कोई भी नंबर आप लिखिए। यानी 4 मार्क्स का जो ये आपका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अब देखिए, यही मकान जब आपको बेचना है तो आपने लिख दिया अवेलेबल, उपलब्ध है। अगर आप यही सेम चीज बजाय सेल के यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर सेल। अब देखिए सेल की स्पेलिंग देखिए, बिक्री हेतु, नॉट ऐसी डबल एल। बेचना है तो फॉर सेल लिखेंगे, फॉर सेल अवेलेबल टू बीएचके। लेकिन अगर आपको ये बेचने की जगह खरीदना है तो यहां क्या लिखा जाएगा, वांटेड। और यहां अवेलेबल की जगह आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, जरूरत है। यानी बेचना है तो फॉर सेल लिखेंगे, खरीदना है तो क्या लिखेंगे, टू परचेज। किराए पे लेना देना है तो ऑन रेंट, टू लेट, किराए पे देना है। ऑन रेंट चाहिए, टू लेट देना है। यानी इसकी हेडिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट इट कंटेन्स, बेचना है, खरीदना है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है। आप पूरा घर नहीं बेचना चाहते, एक पार्ट में आप किराएदार रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो हेडिंग देते हुए 50 वर्ड्स में आपको कंक्लूड करना है इसको। और ये सारी क्वेरीज जो मैंने आपको बताई है बिल्डिंग में, कि क्या बेचना या खरीदना या किराए पे देना चाहते हैं, उसकी क्वालिटीज क्या है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सुविधाएं चाहते हैं या आपके पास है, कहाँ सिचुएटेड है, अमाउंट या किराया जो भी है, बेच रहे हैं तो आप अमाउंट बताएंगे और खरीद रहे हैं तो किराए पे दे रहे हैं तो किराया बताएंगे, और कॉन्टेक्ट और एड्रेस जरूर देना है। ये सारा करके आपका ये क्या हुआ, अकोमोडेशन का कंप्लीट हुआ। यानी एडवर्टीजमेंट में मैट्रिमोनियल के बाद अपन ने अकोमोडेशन कर दिया। Next, we will take tomorrow.